जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल वाले परांठे, जिसको हम मिस्सी रोटी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए दाल, कटा हुआ प्याज, इसके अंदर मैंने जिंजर अदरक पहले ही काट के डाल दिया है, सूखा आटा, देसी घी, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब हम इन सबको मिला के हमारा जो डो है वो तैयार करेंगे। मैं डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज और अदरक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल। मैं इसमें पहले थोड़ी सी दाल डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन। और थोड़ा सा घी। घी के साथ जो हमारा डो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। अभी हम इस सारी सूखी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसके अंदर पहले पानी नहीं डालना है, सिर्फ इस चीजों को अच्छे से मिलाना है। ये लीजिए, हमारा जो डो है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे परांठे। परांठे बनाने के लिए हमें चाहिए हमारा डो, सूखा आटा और देसी घी। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको रोटी की तरह आपको बेलना है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे घी और इसको परांठे की शेप में फोल्ड करेंगे। हम तवे पे थोड़ा सा घी डालेंगे और अब हम डालेंगे हमारा परांठा। मैंने यहाँ पे तवे को मीडियम आंच पे रखा है। हमारा परांठा एक साइड से पक के तैयार हो गया है और अब हम इस पे लगाएंगे देसी घी। इसी तरीके से आपको दूसरी और इसको पलटना है और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए। अभी हमारा जो परांठा है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया। ये देखिए, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये लीजिए, हमारा गरम गरम परांठा बन के तैयार हो गया है। मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कुछ लोग कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, वो कॉफ़ी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारे दाल वाले या मिस्सी रोटी बन के तैयार हो गई है। आप इसको गरम गरम बनाएं और गरम गरम खाएं। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।